नमस्कार, भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की उदया तिथि एकादशी और शनिवार का दिन है। एकादशी तिथि आज सुबह 7:12 पर समाप्त हो चुकी है। आज मोक्षदा एकादशी का व्रत किया जाएगा, साथ ही आज सुबह 9:07 तक शिव योग रहेगा, उसके बाद सिद्ध योग लग जाएगा। इसके अलावा आज रात 9:19 तक भरणी नक्षत्र रहेगा। आज ही अखंड द्वादशी का व्रत भी किया जाएगा, आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर, आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन जेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा, किस अक्षर का आज क्या है भविष्य, जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज की तरह आज भी हमें पढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि याई जैद योग की। तो बता दूं कि आज यह योग नहीं बन रहा है, अब यह योग कल यानी कि 24 दिसंबर की रात 9:19 से अगली सुबह 7:11 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार सिद्धि योग यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज यह योग नहीं बन रहा है, अब यह योग 25 दिसंबर को पूरा दिन और पूरी रात रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आज आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 24 दिसंबर की सुबह 7:41 से सुबह 10:57 तक और एक बार फिर दोपहर 12:25 से रात 9:49 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 24 दिसंबर की सुबह 7:41 से सुबह 10:57 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 24 दिसंबर की सुबह 7:11 से सुबह 10:27 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 28 दिसंबर की सुबह 7:13 से दोपहर पहले 11:39 तक रहेगा। सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त 24 दिसंबर की सुबह 7:41 से सुबह 10:57 तक और एक बार फिर दोपहर 12:25 से शाम 5:20 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 24 दिसंबर की रात 9:19 से देर रात 1:59 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त 27 दिसंबर की रात 11:29 से भोर 4:07 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिली जुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है, इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं रहेगा। अब यह अशुभ समय कल यानी कि 24 दिसंबर की शाम 6:28 पर होगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन वृष, वृश्चिक, मकर और कुंभ राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 पहले और 12 बाद तक कोई भी शुभ कार्य अवॉइड करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहु काल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहु काल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए।
अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा 9:44 से दोपहर पहले 11:02 तक, मुंबई 9:52 से दोपहर पहले 11:14 तक, चंडीगढ़ 9:49 से दोपहर पहले 11:05 तक, लखनऊ 9:28 से 10:46 तक, भोपाल 9:38 से 10:58 तक, कोलकाता 8:53 से 10:14 तक, अहमदाबाद 9:57 से दोपहर पहले 11:17 तक, और चेन्नई में राहुकाल होगा आज 9:17 से 10:42 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है, तो आज जो शुभ दिशा है पूर्व। और आइए शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आपका दिन बहुत अच्छा रहेगा। आप अपने पार्टनर के साथ मिलकर कोई प्लान बनाएंगे। ये प्लान कहीं घूमने का भी हो सकता है। कारोबार में बढ़ोतरी के योग बन रहे हैं। आपका कोई प्रोजेक्ट बहुत सक्सेस होगा और अलग अलग स्रोतों से आमदनी होने की संभावना बढ़ेगी। कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों की मदद मिलेगी। मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स को थोड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है, आगे चलकर इसका लाभ मिलेगा। आपके घर किसी रिश्तेदार के आने से बच्चों में उत्साह रहेगा। सब साथ मिलकर कहीं घूमने फिरने जाएंगे। आपसी संबंध अच्छे होंगे। आपके स्वास्थ्य में कुछ समस्याएं आ सकती हैं। बाहर का खाना अवॉइड करें, सात्विक भोजन का सेवन करने की कोशिश करें। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 2। वृष राशि वालों, आज आपके दिन की शुरुआत अच्छी होगी। आपको कोई मनचाही खबर मिल सकती है जिसका आप बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे। आपका एडमिशन किसी बहुत बड़े इंस्टीट्यूट में होने की संभावना बढ़ेगी। नौकरी में ट्रांसफ़र होने के योग हैं। कहीं लंबी दूरी की यात्रा हो सकती है। आप अपने स्वास्थ्य को लेकर सजग रहें, रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहेगी। व्यापार में उतार चढ़ाव देखने को आएंगे। आप नई नई योजनाएं बनाएंगे, व्यापार में लाभ होगा। आप आर्थिक रूप से मजबूती हासिल करने में कामयाब होंगे। पारिवारिक जीवन से तनाव दूर होगा। अविवाहितों के लिए विवाह के सुंदर संयोग बन रहे हैं। आज के दिन परिस्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी। दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 5। मिथुन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा। स्वास्थ्य समस्याओं में कमी आएगी। आपके निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी। आपको नई नौकरी मिलने की संभावना है जो आपके लिए फेवरेबल रहेगा। पारिवारिक जीवन खुशियों से भरा रहेगा। जीवन साथी के साथ आपकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग रहेगी। आपको आर्थिक मामलों में थोड़ी सतर्कता बरतनी चाहिए। खर्च होने की संभावना है। व्यापार में आपकी स्थिति मजबूत होगी। आमदनी के स्रोत बढ़ेंगे। उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों को उत्तम सफलता मिलने की संभावना है। संतान को तरक्की मिलने के योग हैं। किसी धार्मिक यात्रा पर जाने का योग है। इस दौरान आप कई जगहों पर जा सकते हैं। स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें। उचित खान पान पर ध्यान दीजिए। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 5। कर्क राशि वालों, आज आपका दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। बिजनेस में अच्छे लाभ की संभावना है। बेहतर सूझबूझ और धैर्य के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करें। योग और प्राणायाम की आदत डालें और स्वास्थ्य की जांच कराते रहें। कार्यक्षेत्र में कुछ अवरोधों के बाद उचित परिणाम मिलेंगे। आज आपकी रुचि आध्यात्म में बढ़ेगी। छात्रों को परीक्षा प्रतियोगिता में अपेक्षित परिणाम मिलेंगे। मेहनत की तुलना में अच्छी सफलता हासिल होगी। परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह निभाएंगे। संतान की ओर से कोई शुभ समाचार मिलने के योग हैं। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 9। सिंह राशि वालों, आपके लिए सफलता लाने वाला दिन है। यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपको परीक्षा में उत्तम सफलता मिलने के योग हैं। आज कोई फैसला आपके पक्ष में रहने वाला है। आपकी खुशी बढ़ेगी। कार्यक्षेत्र में नेतृत्व की क्षमता बढ़ेगी जिससे आपको लाभ मिलेगा।
परिवार का माहौल खुशनुमा रहेगा, आपको जीवन साथी का भरपूर सहयोग मिलेगा, लवमेट्स के बीच घनिष्ठता बढ़ेगी, संतान सुख की प्राप्ति होने की संभावना है, अपना स्वास्थ्य का आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। फिर भी खान पान का विशेष ध्यान रखें, योग तथा व्यायाम करने का प्रयास करें, कोई समस्या हो तो डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 4। कन्या राशि वालों, आपके लिए आज का दिन संभावनाओं से भरा रहेगा, नौकरी में वेतन वृद्धि के साथ बदलाव की संभावना है जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार रहेगा, व्यापार संबंधी कोई विदेश यात्रा हो सकती है जिससे आपको लाभ होगा और व्यापार में विस्तार भी होगा, यदि आप कोई वाहन खरीदना चाहते हैं तो आपकी इच्छा पूरी हो सकती है, परिवार का पूरा सहयोग रहेगा, इस दौरान किसी विरोधी से आपको समस्या हो सकती है, सावधान रहें और सोच समझकर कोई फैसला लें। छात्रों के लिए दिन अच्छा है, पढ़ाई में अच्छे परिणाम मिलेंगे, पारिवारिक जीवन में आपसी प्रेम में बढ़ोतरी होगी, बाहर के खान पान से दूर रहें और मेडिटेशन करें। आज के लिए आपका लकी कलर है व्हाइट और लकी नंबर है 9। तुला राशि वालों, आज आपका दिन आपके लिए भाग्यशाली रहने वाला है, अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको अच्छे अवसर मिलने की संभावना है, आज आप अपने करीबियों के साथ वक्त बिताएंगे, इस राशि के जो लोग नौकरी की तलाश में हैं उन्हें अभी मेहनत जारी रखनी चाहिए, आपकी सफलता के जल्दी ही सफलता पाने के अच्छे योग बने हुए हैं, कारोबार में उतार चढ़ाव की संभावना है, पैसों के उधार लेन देन से आपको बचना चाहिए, आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव से तनाव हो सकता है, आज आपको किसी स्रोत से धन लाभ की संभावना बन रही है, पारिवारिक जीवन सामान्य रहेगा, लवमेट्स के लिए दिन फेवरेबल है, आपके स्वास्थ्य में सुधार की संभावना है, खान पान पर विशेष ध्यान रखें, जंक फूड अवॉइड करें। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 4। वृश्चिक राशि वालों, आज आपके लिए दिन सामान्य रहेगा, अगर आप नौकरी में अधिकारी पद के लिए प्रयास कर रहे हैं तो आपको सफलता हासिल होगी, कोई अच्छी खबर मिल सकती है, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए दिन अच्छा है, परीक्षा में सफलता मिलेगी, व्यापारियों के लिए आमदनी के योग हैं, आपको निवेश से लाभ होगा, यदि आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो आपको सफलता मिलने की संभावना है, आपके लव लाइफ से परेशानियां दूर होंगी, वैवाहिक जीवन अच्छा रहने वाला है, संतान के संबंध में जो चिंता थी वो दूर होगी, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, व्यर्थ की चिंता और क्रोध से बचें, थोड़ा योग और मेडिटेशन करें, आपको अच्छा फील होगा, आज के लिए आपका लकी कलर है व्हाइट और लकी नंबर है 3। धनु राशि वालों, आपके लिए आज का दिन खुशियों की सौगात लेकर आया है, व्यापार से जुड़े लोगों को जबरदस्त लाभ के योग हैं, आपका उत्साह बढ़ेगा, परिवार में किसी नए सदस्य के आने की संभावना है, लव लाइफ में नई ऊर्जा का संचार होगा, रिश्ते पहले से बेहतर होंगे और पार्टनर के साथ अच्छा समय बीतेगा, नौकरी में भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, कोई शुभ समाचार मिलने के योग हैं, आप जीवन में नया मुकाम हासिल करेंगे, स्वास्थ्य में थोड़े उतार चढ़ाव के बाद स्वास्थ्य ठीक रहेगा, छोटी मोटी बीमारियों की जांच कराते रहें, लाभ मिलेगा, छात्रों के करियर में प्रगति के योग हैं, आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 4। मकर राशि वालों, आज आपका दिन उत्साह से भरा रहेगा, नौकरी में सफलता के योग हैं, कार्यक्षेत्र में कुछ जिम्मेदारियां मिल सकती हैं जिसमें आप खुद को प्रूफ कर पाएंगे, आपको तरक्की मिलेगी, कहीं से नई नौकरी का ऑफर भी मिल सकता है, परिवार में भाई बहनों का अच्छा सहयोग मिलेगा, कार्यक्षेत्र में आपकी अलग पहचान बनेगी, दांपत्य जीवन खुशहाल रहेगा, संतान सुख मिलेगा, छात्रों को सजग रहने की जरूरत है, जरा सी लापरवाही से हाथ आया अवसर निकल सकता है, व्यापारियों के लिए दिन अच्छा है, नई योजनाएं व्यापार के ग्रोथ में सहायक होंगी, छात्रों को कोई खुशखबरी मिल सकती है, हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाने के योग हैं, स्वास्थ्य सही रखने के लिए आपको मौसम के अनुसार खान पान रखना चाहिए, अपने आप को समय दें और एक्सरसाइज करें, आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 4। कुंभ राशि वालों, आज का दिन आपके लिए खास रहने वाला है, व्यापार में भरपूर लाभ होने की संभावनाएं हैं, नौकरी के क्षेत्र में उच्च अधिकारियों के साथ आपका अच्छा सामंजस्य रहेगा जिससे आपको लाभ होगा,
नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अपनी कार्यशैली को बेहतर बनाने की जरूरत महसूस होगी। भाई बहन के रिश्ते मजबूत होंगे, पारिवारिक जीवन में पारदर्शिता रहेगी, लव लाइफ आनंदपूर्वक बीतेगी। प्रतियोगी परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आज आपकी कोई बिजनेस डील पक्की हो सकती है। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 5। मीन राशि वालों, आज आपका दिन रोज से बेहतर रहेगा। व्यवसाय में मनचाहा लाभ मिलने की संभावना है। नौकरी पेशा लोगों के लिए आय के अतिरिक्त साधन बनेंगे। लंबे समय से आप कोई प्रॉपर्टी या वाहन खरीदने के लिए सोच रहे हैं तो आपका ये सपना आज पूरा हो सकता है। परिवार के साथ मिलकर आप किसी धार्मिक यात्रा पर जाने की योजना बनाएंगे या जाएंगे। मित्रों की मदद से कोई पुराना काम पूरा हो जाएगा। कार्यस्थल पर आपके कामों की सराहना होगी। पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेगा। दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ेगा। संतान की ओर से खुशियां मिलेंगी। जीवन साथी आपको कोई सरप्राइज गिफ्ट दे सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या आ सकती है, आपको डॉक्टर से तुरंत सलाह लेनी चाहिए। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। लेखन से जुड़े लोगों को अच्छे अवसर मिलेंगे। अपनी वाणी और व्यवहार में बदलाव लाइए, आपके लिए अच्छा रहेगा। सभी आपको पसंद करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 3। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज गाय को प्रणाम करें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज हरा कपड़ा दान करें तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमय दुनिया में। मूलांक 1 वालों प्रॉपर्टी संबंधी मामलों में आज सफलता मिल सकती है। मूलांक 2 सामाजिक स्तर पर आज आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी, लोग आपसे प्रसन्न रहेंगे। मूलांक 3 आज आपका दिन खेलकूद और मनोरंजन में बीत सकता है। मूलांक 4 आज आप किसी भ्रम के कारण खुद को मानसिक रूप से परेशान महसूस करेंगे। मूलांक 5 आज आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा और आप बहुत आनंदित महसूस करेंगे। मूलांक 6 जो लोग पत्रकार हैं आज उन्हें पदोन्नति के सुनहरे अवसर प्राप्त होंगे। मूलांक 7 आज आपको अपने शोध के माध्यम से कोई सपना पूरा होता हुआ दिखाई देगा। मूलांक 8 अपने जीवन साथी के साथ आज आप कहीं घूमने जाएंगे और पुराने गिले शिकवे भी दूर होंगे। मूलांक 9 आज आप अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में संतुलन बनाकर रखने का प्रयास करेंगे। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे घर की छत पर रखे फालतू सामान यानी कबाड़ की। क्या हमें घर की छत पर फालतू सामान रखना चाहिए? वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की छत पर कोई भी फालतू सामान या कबाड़ नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से परिवार के सदस्यों के मन और मस्तिष्क पर नकारात्मक असर पड़ता है और पितृ दोष भी लगता है। पूरे घर का माहौल खराब हो जाता है। साथ ही ये आपके घर में कलह का कारण भी बन सकता है। तो आपके घर में यदि बिना उपयोग का फालतू सामान बहुत समय से पड़ा है तो उसे घर के बाहर करिए। लेकिन अगर आपके घर में ऐसा कोई सामान है जो उपयोगी तो है परंतु अभी उसका कोई काम नहीं है तो ऐसी चीज़ों को ऐसे ही कहीं भी न पटकें, उन्हें व्यवस्थित ढंग से एक जगह पर रख दें। वास्तुशास्त्र में ये थी चर्चा घर की छत पर रखे फालतू सामान यानी कबाड़ की। उम्मीद है कि आप भी इस वास्तु टिप को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की उदया तिथि एकादशी और शनिवार का दिन है। एकादशी तिथि आज सुबह 7:12 पर समाप्त हो चुकी है। फिलहाल द्वादशी तिथि चल रही है। याद दिला दूं कि बीते हुए कल हमने आपको बताया था कि एकादशी तिथि में सूर्योदय आज के दिन हुआ है, लिहाजा मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का व्रत आज के दिन ही किया जाएगा, यानी आज मोक्षदा एकादशी का व्रत किया जाएगा। मोक्षदा एकादशी को वैकुंठ या मौनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रों में इस एकादशी का बड़ा महत्व बताया गया है। कहते हैं मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही कुरुक्षेत्र की भूमि पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। इसी कारण आज गीता जयंती भी मनाई जाती है। आज मोक्षदा एकादशी को भगवान विष्णु के दामोदर रूप की पूजा की जाती है। भगवान विष्णु के शंख, गदा, चक्र और पद्मधारी रूप को
दामोदर की संज्ञा दी गई है। शास्त्रों के अनुसार स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि इस दिन तुलसी की मंजरी, धूप दीप आदि से भगवान दामोदर का पूजन करना चाहिए। आज मोक्षदा एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान दामोदर का स्मरण करते हुए सबसे पहले जल में गंगा जल डालकर पूरे घर में छिड़कना चाहिए और उसके बाद विधि विधान से भगवान का पूजन करना चाहिए। पूजा के समय भगवद गीता की एक प्रति भी रखनी चाहिए और संभव हो तो आज गीता के कुछ अंश जरूर पढ़ने चाहिए। कहते हैं मोक्षदा एकादशी का व्रत करने से पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। साथ ही आज पूजा के बाद किसी ब्राह्मण को भोजन कराने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। तो ये थी मोक्षदा एकादशी और गीता जयंती की चर्चा। और अब बात करते हैं आज पढ़ने वाले योग और नक्षत्र की। आज सुबह 9:07 तक शिव योग रहेगा, उसके बाद सिद्धि योग लग जाएगा। शिव शब्द का अर्थ होता है शुभ। ये योग बहुत ही शुभदायक है, शुभ फल देने वाला है। इस योग में किए गए सभी मंत्र शुभ फलदायक होते हैं। इस योग में यदि प्रभु का नाम लिया जाए तो सफलता मिलती है। वहीं अगर सिद्ध योग की बात करें तो सिद्ध योग के दौरान यदि कोई भी कार्य सीखने की सोच रहे हैं तो इस योग में शुरुआत करेंगे तो सिद्ध हो जाएगा। ये योग गुरु से मंत्र दीक्षा लेकर मंत्र जपने का उत्तम योग है। साथ ही आज रात 9:19 तक भरणी नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से दूसरा भरणी नक्षत्र को माना जाता है। भरणी का अर्थ होता है भरण पोषण करना। भरणी नक्षत्र के स्वामी शुक्राचार्य हैं और इसकी राशि मेष है। इसके अलावा भरणी नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह त्रिकोण आकृति को माना जाता है। बता दूं कि भरणी नक्षत्र के प्रबल प्रभाव में आने वाले जातक सच बोलने वाले, धार्मिक कार्यों के प्रति रुचि रखने वाले, उत्तम विचारों के धनी, साहसी, प्रेरणादायक, रचनात्मक क्षेत्रों में सफल, चित्रकारी और फोटोग्राफी में अभिरुचि रखने वाले होते हैं। साथ ही ये लोग कठिन से कठिन कार्य करने से भी नहीं घबराते और अपनी इन्हीं विशेषताओं के कारण भरणी नक्षत्र के जातक अपने जीवन में कई बार विफल होने के बाद भी हार नहीं मानते और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयास करते रहते हैं और अंततः अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सफल भी होते हैं। वनस्पतियों में भरणी नक्षत्र का संबंध आंवले के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म भरणी नक्षत्र में हुआ है उन लोगों को आज भरणी नक्षत्र के दौरान आंवले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए और अगर संभव हो तो आंवले का पेड़ भी लगाना चाहिए। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि इस दौरान आप किसी भी रूप में आंवले के पेड़, उसके फल या उससे जुड़ी किसी भी अन्य चीज़ को नुकसान न पहुंचाएं और आंवले से बनी किसी भी चीज़ का सेवन न करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले शिव योग, सिद्ध योग और भरणी नक्षत्र की। और अब बात करते हैं आज मनाई जाने वाली अखंड द्वादशी। आज सुबह 7:13 पर ही द्वादशी तिथि लग जाएगी। बता दूं कि प्रत्येक मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को अखंड द्वादशी के नाम से जाना जाता है। शास्त्रों में इस द्वादशी का बड़ा महत्व है। अखंड द्वादशी के दिन किया गया व्रत पूजन धन धान्य तथा सुख समृद्धि देने वाला होता है, समस्त व्याधियों को नष्ट कर आरोग्य को बढ़ाने वाला होता है। इसके प्रभाव से समस्त समस्याएं समाप्त होती हैं और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो ये थी चर्चा अखंड द्वादशी की। और अब बात करते हैं आज गीता जयंती और अखंड द्वादशी के संयोग में किए जाने वाले उपायों की। अगर आप अपनी कंसंट्रेशन पावर बढ़ाना चाहते हैं तो आज के दिन भगवान विष्णु का दामोदर नाम लेते हुए ताजा पुष्पों से पूजन करना चाहिए और पूजन के समय घंटे या घंटी का स्वर बजाना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी। और अगर आप अपने आसपास ताजगी बनाए रखना चाहते हैं तो आज एक लोटे में जल लेकर उसमें एक लाल फूल डालकर श्री विष्णु के आगे रखें। अब उस फूल की सहायता से भगवान पर जल छिड़कें और उनकी विधि पूर्वक पूजा करें। पूजा के बाद उस लोटे में रखे जल को सूर्य देव को अर्पित कर दें।
आज के दिन ऐसा करके आपके आसपास ताजगी बनी रहेगी। अगर आप अपने दाम्पत्य जीवन में प्यार बढ़ाना चाहते हैं तो आज भगवान दामोदर को रोली और चावल का तिलक लगाएं और तिलक लगाते समय ओम पद्मनाभाय नमः या ओम ऋषिकेशाय नमः मंत्र का 5 बार जाप करें। आज के दिन ऐसा करने से आपके दाम्पत्य जीवन में खुशियां बनी रहेंगी। जीवन में विशेष फलों की प्राप्ति के लिए आज के दिन जैन मंदिर में जाकर रुई का दान करें। आज के दिन ऐसा करने से आपको विशेष लाभ होगा और आपकी तरक्की सुनिश्चित होगी। अपने जीवन में पॉजिटिविटी बनाए रखने के लिए और जीवन को एक नई दिशा देने के लिए आज के दिन किसी सब्जी विक्रेता से लौकी खरीदकर मंदिर में दान करें। आज के दिन ऐसा करने से आपके जीवन में पॉजिटिविटी आएगी और जीवन को एक नई दिशा मिलेगी। अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए आज के दिन अर्जुन के चूर्ण की गोली बनाकर माता महाकाली को अर्पित करें। अगर आपको अर्जुन का चूर्ण न मिले तो अर्जुन के वृक्ष का स्मरण करते हुए जौ की रोटी बनाकर उस पर घी और गुड़ रखकर माता को अर्पित करें। बाद में आप ये प्रसाद स्वयं भी ग्रहण कर सकते हैं। आज के दिन ऐसा करने से आपका जीवन नित नई ऊंचाइयों को छुएगा। अच्छे स्वास्थ्य के लिए और जीवन में तरक्की पाने के लिए आज के दिन दूध के खोए से बने पेड़ों को 11-11 की संख्या में 11 जगह अलग करके रख दें और अपनी मित्र मंडली में बांट दें। आज के दिन ऐसा करने से आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और जीवन में तरक्की भी होगी। अपनी वाणी को दूसरों के सामने प्रभावपूर्ण बनाने के लिए और अपनी कलम की ताकत से दुनिया को हिला देने के लिए आज के दिन साबुत छिलकेदार उबली हुई मूंग का प्रसाद माता दुर्गा को अर्पित करें। आज के दिन ऐसा करने से आपकी वाणी और कलम दोनों में अपने आप बड़ा ही पॉजिटिव और जादुई असर आ जाएगा। विशेष लाभ पाने के लिए आज के दिन उड़द की दाल के बड़े बनाकर भैरवनाथ को समर्पित करें और बाद में स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करें। आज के दिन ऐसा करने से आपको विशेष रूप से लाभ होगा। अगर आपको किसी दुर्घटना का या किसी अनहोनी घटना का भय बना रहता है तो आज के दिन गेहूं और जौ के आटे से बनी रोटी अपने घर की दक्षिण पश्चिम दिशा में जाकर किसी मजदूर को दें। आज के दिन ऐसा करने से आपका दुर्घटना भय समाप्त हो जाएगा और आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। तो ये सारी चर्चा थी आज मुख्य रूप से मोक्षदा एकादशी और अखंड द्वादशी के बारे में। उम्मीद है कि आप इस पूरी चर्चा का लाभ जरूर उठाएंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और ABCD ही क्यों, नाम का पहला अक्षर ही क्यों, क्योंकि आज के ज़माने में दोस्त और दुश्मन सबकी गतिविधियों पर आपकी नज़र होना ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके दोस्त को आज कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है या कहीं आपका दुश्मन बाजी न मार ले। किसका दिन आज कैसा है, नाम के पहले अक्षर से सब पता चल जाएगा। तो जिनके नाम का पहला अक्षर है ए, आज आपके सहकर्मी आपके पीठ पीछे किसी प्रकार की राजनीति करने की कोशिश करेंगे। बी, पढ़ाई के प्रति एकाग्रता में अड़चने आएंगी जिससे आप थोड़ा उलझन में रहेंगे। सी, घर का कोई काम बहुत दिनों से अधूरा पड़ा हुआ था, आज आप उसे पूरा करेंगे। डी, आज आप दोस्तों के साथ किसी एडवेंचर पर जा सकते हैं। ई, परिवार के लिए आज आप कपड़ों की खरीदारी करेंगे। एफ, व्यापार के सिलसिले में आज कोई बड़ी डील पक्की हो सकती है। जी, परिवार के साथ आज आप कहीं घूमने जाएंगे, वहाँ किसी दूर के रिश्तेदार से आपकी मुलाकात होगी। एच, आज परिवार में किसी बड़ी खुशखबरी से घर का वातावरण उत्साह से भर जाएगा। आई, आज जीवन साथी के साथ बातचीत करके आप अपने पुराने गिले शिकवे दूर करेंगे। जे, लवमेट्स को आज अपने माता पिता से विवाह के लिए अनुमति मिल सकती है। के, अचानक आपको कोई खुशखबरी मिलेगी, ये खबर आपके प्रमोशन की भी हो सकती है। एल, आज शिक्षक छात्रों को कुछ नया सिखाने समझाने की कोशिश करेंगे। एम, आज आप बहुत दिनों बाद जिम जाएंगे और खुद को फ्रेश महसूस करेंगे। एन, विरोधी आज मौके के तलाश में रहेंगे, भावनाओं में बहकर किसी को अपना सीक्रेट न बताएं। ओ, आप एनिमल लवर हैं इसलिए आज आप स्ट्रीट डॉग्स की सुरक्षा के लिए कुछ अच्छा करने की सोच सकते हैं। पी,
आप आज किसी पुराने मित्र से मिलने उसके घर जाएंगे। क्यों? आज आप बैंक की तैयारी के लिए किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेंगे। आर, आज आप जो भी काम शुरू करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। एस, आप आज किसी आध्यात्मिक चर्चा में शामिल होंगे और वहां अपने विचार भी रख सकते हैं। टी, आज कार्य क्षेत्र में आप किसी सहकर्मी की मदद करेंगे जिससे उसकी आर्थिक समस्या दूर हो सकती है। यू, आपके घर कोई मांगलिक आयोजन होगा जिसमें आप अपने मित्रों को भी बुला सकते हैं। वी, आज आपकी मुलाकात अचानक किसी व्यक्ति से हो सकती है जिससे आपको व्यापार में लाभ होगा। डब्ल्यू, आपको प्रमोशन मिलने से घर में खुशी का माहौल रहेगा। एक्स, आप आज करियर काउंसलर से मिलेंगे, फोटोग्राफी में करियर से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे। वाई, आप अपने करियर को लेकर कोई ठोस निर्णय ले सकते हैं। जेड, आज अपने पार्टनर के साथ शॉपिंग करने किसी मॉल में जाएंगे। और अब बात आज के तीर्थ की। आज है गीता जयंती, तो आज हम आपको कराने जा रहे हैं गीता की जन्मस्थली के दर्शन। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में स्थित है एक अक्षय वट वृक्ष, जिसके बारे में मान्यता है कि इसी वृक्ष के नीचे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान देकर पूरे संसार को जीवन जीने की कला सिखलाई थी। मान्यता है कि यह अक्षय वट वृक्ष महाभारत काल का है। वैसे तो देश भर से श्रद्धालु इस पेड़ के दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन गीता जयंती पर यहाँ श्रद्धालुओं का तांता लगता है। इससे कुछ ही दूरी पर ब्रह्म सरोवर है, यहाँ स्नान करने की बड़ी मान्यता है। तो आप भी घर बैठे कीजिए अक्षय वट वृक्ष के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे लंबे कान वाले लोगों के बारे में। कई लोगों के कान सामान्य से बहुत लंबे होते हैं, या कहें जिनके कान का निचला हिस्सा अधिक लटका हुआ होता है। ऐसे कान वाले लोग बड़े ही बुद्धिमान और व्यवहार कुशल होते हैं, साथ ही अपने काम के प्रति ईमानदार होते हैं, और अपनी ईमानदारी की वजह से ही समाज में इनकी एक अलग पहचान बनती है। अपनी बात को दूसरों के सामने कैसे प्रेजेंट करना है, ये इन लोगों को बड़े अच्छे तरीके से आता है। इनके जीवन में पैसों की स्थिति भी ठीक रहती है। ये लोग समय और बात दोनों के ही बड़े पाबंद होते हैं, लेकिन अगर कोई इनकी बात पर ध्यान दे तो इन्हें जल्दी ही गुस्सा भी आ जाता है। सामुद्रिक शास्त्र में ये थी चर्चा लंबे कान वाले लोगों के बारे में। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 23 दिसंबर को मार्शी शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि। एकादशी तिथि आज सुबह 7:12 पर समाप्त हो चुकी है। फिलहाल द्वादशी तिथि चल रही है, जो कि आज पूरा दिन और पूरी रात पार करके कल सुबह 6:25 तक रहेगी। द्वादशी तिथि में पूतिका यानी पोई का साग नहीं खाना चाहिए। पोई एक सदाबहार लता है जिसे सब्जी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और मैं चलते चलते आपको बता दूं कि आज कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है दक्षिण पूर्व, साउथ ईस्ट। और अब वक्त है आज के टिप ऑफ द डे का। आज हाथ पर तलावा बांधे, ये न बद्धो बली राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम प्रतिबधनामी रक्षे मा चल मा चल। आज हाथ पर कलावा बांधने से सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।